हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज नवरात्रों के लिए, जो नवरात्रे रखते हैं उनके लिए स्पेशल आलू लेकर आई हूँ। नवरात्रि के लिए स्पेशल आलू जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही जायकेदार होते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए बनाते हैं व्रत वालों के लिए आलू, जो नवरात्र रखते हैं, उपवास रखते हैं उनके लिए। और हमें क्या क्या सामग्री चाहिए जान लेते हैं। ये देखिए, उबले हुए आलू जो हमने छील कर रखे हुए, आप कम ज्यादा जितना भी बनाना चाहते हैं उतना ही लीजिए। ये साबुत जीरा, ये सेंधा नमक, ये हरी मिर्च जो हमने दरदरी पीस कर रखी हुई है, ये अदरक का टुकड़ा, ये भी हमने दरदरा पीस के रखा हुआ, और ये देसी घी। जब भी व्रत वालों के लिए कुछ भी बनाए देसी घी ही लेना है, इसलिए हमने देसी घी रखा हुआ। अब सबसे पहले क्या करते हैं, आलू काट लेते हैं। ये देखिए ऐसे, इनको ऐसे काट लेना है। ये देखिए, ऐसे सारे आलू काट लेने हैं। और देखिए ऐसे ही सारे काट लेने। और ये देखिए, पहले हम गैस ऑन करते हैं और इस पर पैन रखते हैं। जब तक आलू काटते हैं तब तक हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा। अब इसमें घी डालते हैं। ये देखिए, देसी घी डालना है 2 बड़े चम्मच, जब तक हमारा घी गर्म होता है। बाकी बचे आलू काट लेते हैं। और ये देखिए, सारे आलू काटने के बाद हमारे सारे आलू कट चुके हैं। अब ये जीरा लेते हैं 1 चम्मच। ये देखिए, इसको इसमें डालते हैं। अब इसके बाद अदरक वाला पेस्ट डालते हैं। अब इसके बाद हरी मिर्च डालते हैं। पहले इसको थोड़ा अच्छे से चलाते हैं। इसमें हरी मिर्च डालते हैं। अच्छे से चलाने के बाद थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, तब तक चलाते रहते हैं। ये कलर चेंज होने के बाद अब इसमें कटे आलू डालते हैं। जो सारे आलू ऐसे मैं पैन में डाल देते हैं। इनको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नमक डालते हैं स्वादानुसार। देखिए, सेंधा नमक डालना है, अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। और नवरात्रों के लिए स्पेशल आलू, और इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। अच्छी तरह से भून लेना है। और देखिए, इनको अच्छे से ऐसे भून लेना है। अच्छे से भूनने के बाद ये देखिए, हमारे व्रत वालों की सब्जी बिल्कुल तैयार है नवरात्रों के लिए, जो खास आलू। अब गैस बंद कर देते हैं। और ये देखिए, परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इनको चाय के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, या फिर आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दोस्तों।